बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं आप तमाम पाकिस्तानियों को एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। हमने एक आवाज दी कि मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर बाइकआउट कर रहा हूँ महंगे फलों का, ज्यादती हो रही है। सरकारी लिस्ट से 3 गुना महंगे बिक रहे हैं फल। आप तमाम पाकिस्तानियों ने साथ दिया, मैंने तो कराची के लिए आवाज लगाई थी, पूरे पाकिस्तान ने साथ दिया। उसका रिजल्ट क्या निकला है जरा देख लें। ये मंडी की वीडियो मैंने एक पेज पे देखी है अभी चलते हुए। तो यहाँ पे ये भाई से रابطہ कर सकते हैं, यहाँ पे आते हैं, इनसे प्राइस में भी आपको पूछ के बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आज दो दिन से बाजार नीचे है। दो दिन से नीचे। कल और आज बाजार नीचे है। बहुत आया, बहुत अच्छा। ये खरबूजा, ये वाला खरबूजा जो ना, ये वाला, ये परसों हमने 1900-2000 का भेजा है, आज हमने 1400-1200। ये किंग साइज है। ये देखें जी, हम पहले ही कह रहे थे कि सरकारी नर्फ के ऊपर जो चीज बेचनी थी आपको, आप डबल ट्रिपल में बेच रहे हो। अब मंडी में वो और आधे पे आ गई है, यानी 2000 वाली चीज 1200 पे आ गई है। एक मैसेज तो ये मिल गया कि जखीरा अंदूजों की ऐसी की तैसी हो गई, जिन्होंने सामान रखा हुआ था डबल ट्रिपल कीमत में बेचेंगे, जब आपने नहीं लिया अब वो चीज कचरे के दाम पे आ रही है। लेकिन कमाल देखिए कि ठेले वाला अभी भी अब वो चीज और आधे कम पे मिल रही है। यानी कि अगर तुम्हें कल तक सरकार कह रही थी 158 रुपए बेचो, तो अब बोलेगी 75 रुपए किलो बेचो, तो तुम अभी भी 600 और 500 की बात कर रहे हो। तो भाई सरकार का काम है अपनी रिट को देखे, चैलेंज कर रहे हैं ठेले माफिया। और दूसरी बात एक और सुन लीजिए, ये जो सियासी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो रही है ना कि नहीं महंगा बिकने दो, आवाम खरीद सकती है और फलाना करो, भाई ये देख लें, आपको दिखाने के लिए बनाई है। मंडी वाले बोल रहे हैं कि भाई चीज 1200 रुपए का, तो हम पूरा कार्टन दे रहे हैं 18 किलो का, तो ये क्यों 10000 रुपए का कार्टन बेच रहा है ठेले वाला। सीधी सी बात है, आज मेरी बात हुई डीसी तहा सलीम साहब जो सेंट्रल के, कमाल काम कर दिया, हर मार्केट में नुमाइंदा बैठा दिया, जो महंगा बेचेगा उसी वक्त FIR कटेगी। लिस्ट है, इसमें तुम्हारा प्रॉफिट लिखा हुआ है और अच्छा प्रॉफिट लिखा हुआ है। भाई तुम कैसे 400 गुना महंगा बेच रहे हो भाई। तो आप लोगों ने अगर कल तक और साथ दिया, 7 रमजान तक का हमारा ये बढ़ गया था, 5 से 7 पे गए थे, तो इंशाल्लाह ये एक मैसेज है। अगर पाकिस्तानी एक हो सकते हैं तो क्यों नहीं कोई हुक्मरान उतरा तुम्हारे हक में, किसी क्यों नहीं सियासत, आज क्यों सियासतदान महंगी चीज बेचने के फेवर में वीडियोज डाल लें कि भाई हाँ महंगी बिक रही है बिकने दो, आपको क्या है। अरे भाई हमें है प्रॉब्लम, हमारे लोग नहीं खा पा रहे फल। तो बस इस चीज का ख्याल रखिएगा, जो चीज महंगी हो एक हाथ एक कदम पीछे हो जाओ। भाई मैं सच बता रहा हूं, फल ना खाने की वजह से कोई नहीं मरा होगा, लेकिन आपके 5 दिन ये फल ना खाने से 7 रमजान तक हर पाकिस्तानी के घर में फल अभी ना पहुंचे तो आप बोलिएगा, और सरकारी रेट पे बिकेगा फल। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपकी कामयाबी हो रही है इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि मंडी के रेट गिरना शुरू हो गए, आधे पे आ गए हैं, तो अब ये हमारे ठेले वाले कब आधे पे आएंगे।